तो उसके ऊपर मेरे इल्म का रोब पड़ गया, उसकी लाइन का इल्म था ना, तो हैरान परेशान, ये वास तो हो नहीं रहा, तो कभी दिलीप कुमार की बातें शुरू हो गई, कभी राज कपूर की शुरू हो गई, और कभी महबूब साहब शुरू हो गए, कभी मदन मोहन शुरू हो गए, वो आधा घंटा तो यूं ही गुजर गया। तो आधे घंटे के बाद मैंने कहा जी हमारा तो टाइम ओवर का नहीं, उठे चले उधर चल के बैठते, वह खाने के टेबल पर थे तो हम वहाँ जा कर बैठ गए, फिर वहीं बातें शुरू हो गई। जब उसका सारा खौफ दूर हो गया और रिलैक्स हो गया, उसमें पौने घंटे से 50 मिनट गुजर गए थे, तो फिर मैंने कहा आमिर भाई आप हज पे आए हैं, अगर आप इजाज़त दें तो आपको अपने नबी का हज सुनो। कहने हाँ जी ज़रूर सुनाई। फिर मैं 1.25 घंटा बोलता रहा और वो ऐसे करके यहाँ से वो यूं नहीं हुआ, 1.25 घंटा ऐसे बैठ के यूं सुनता, हिला नहीं अपनी जगह से। लोग मोहब्बत के भूखे हैं, तुम फतवे देना शुरू कर देते। 2 घंटे की मुलाकात के बाद जब हम निकले तो नीचे तक छोड़ने आया आमिर खान। हज के बाद मैंने कहा एक मुलाकात और हो जाएगा, जरूर होगी। फिर उसका मैसेज आया कि मैं मदीने चला गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा मैं मदीने आ जाऊँगा, मैं मदीने पहले हो आया था हज से पहले। तो उसने कहा कि आप 14 तारीख को आ जाएं, 4 से 6 का टाइम मैंने आपके लिए रखा है, तो मैं जुनैद और एक और साथी हम दोबारा वहाँ चले गए 4 बजे। 4:15 हम उसके साथ हमारी शूटिंग शुरू हुई, 4:15 से 10:15 तक 6 घंटे मुसलसल, और उसके माथे पे ज़रा निशान नहीं आया कि मैं बोर हो रहा हूँ। और उसके बाद हम उठे, उसका जी नहीं चाह रहा था कि हम उठ के चले जाएं, मोहब्बत। फिर एक इम्तिहान पड़ गया, मैं इज्तिमा में था रायमंड के पिछले साल, उसका मैसेज आ गया मेरी फिल्म तलाश आ रही उसकी कामयाबी की दुआ करो। भाई चंगी मैं कहा अब क्या करूं, जवाब देना भी जरूरी, दुआ भी नहीं हो सकती, क्या करूं। तो जब वो मैसेज आया तो मेरे सामने कोई 10-12 उलमा बैठे थे, मैंने कहा भाई ये मैसेज है इसका जवाब, कहा जी ये हमारा फील्ड नहीं तुम्हारा है, तू ही जवाब दे। मैं सारा दिन सोचता रहा, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आया, कि जान भी बच जाए जवाब भी चला जाए। फिर अगला दिन भी गुजर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं असर का वजू कर रहा था, एकदम अल्लाह ने एक मजमून दिल में डाला, तो मैंने फौरन बैठ कर उसको मैसेज किया कि आमिर भाई जो क्रिएटिव होता है ना जहन, ये अल्लाह किसी किसी को देता है, तख्लीकी जहन ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर एक को नहीं देता, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है।